नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेंदे की केयर कैसे की जाती है और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो सभी हमारे गेंदे के फ्लावर हैं, ये सभी फ्लावरिंग करने लगे हैं और बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इन सभी गेंदे के प्लांट्स को मैंने कुछ प्लांट्स को कटिंग के द्वारा लगाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है, इसे मैंने सभी को कटिंग के ही द्वारा लगाया है और इसमें भी फ्लावरिंग अच्छे अच्छे हो रहे हैं, इसमें भी जो है अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें और इसकी हम केयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि जो गेंदे के फूल होते हैं, जो मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं, इसमें हम कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें जिससे कि इसके ग्रोथ और इसका फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं, जो गेंदे के पौधे होते हैं, इसमें आप हमेशा ही जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। आप अगर इसमें डीकम्पोस्ट काउडंग यूज़ करेंगे तो इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और ये हमेशा ही फ्लावरिंग करेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो गेंदे के फूल होते हैं, इसमें हम बंच में फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इसमें जो है फ्लावरिंग की संख्या अगर हमें बढ़ाना है तो इसे जैसे उसके पुराने जो फूल हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसे जो है अगर इसे हम तोड़ देंगे तो इस फूल को हम अगले सीज़न के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसे सीड्स बना के हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ से नए नए ब्रांच आएंगे। जैसे कि ये भी सूखे हुए फूल हैं, तो इसे तोड़ देने से नए नए जो ब्रांचेज हैं वो आएंगे और बंच में ही फ्लावरिंग खिलेंगे। और यह जो गेंदा का प्लांट है फ्रेंड्स, हमेशा ही फ्रेश लुक दिखेगा और अच्छे अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो गेंदे के फूल होते हैं, जो गेंदे के प्लांट होते हैं, इसमें हम कितना वाटरिंग करें और कब कब वाटरिंग करें जिससे कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है गेंदे के प्लांट्स को अपने घर में, अपने गार्डन में लगाया है, तो आप जो है गेंदे के प्लांट्स को ज़्यादा वाटरिंग ना करें। आप अगर इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसमें जो है इसके ग्रोथ अच्छे नहीं चलेंगे। आप अगर इसमें जो है नॉर्मल वाटरिंग, अगर डेली वाटरिंग सिर्फ करेंगे तो इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे चलेंगे, क्योंकि जो गेंदे के फ्लावर होते हैं, जो गेंदे के प्लांट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर जो है अगर अपने गेंदे के प्लांट्स को ज़मीन में लगाया है तो वीक में दो बार ही वाटरिंग करें तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा रहेंगे और हमेशा ही फ्लावरिंग करेंगे। अगर आपने जो है प्लांट्स को अपने टेरेस गार्डन या तो गमले में लगाया है तो आप जो है प्लांट्स को डेली ही वाटरिंग करें तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ कि जो गेंदे के फूल होते हैं, जो गेंदे के प्लांट होते हैं, इसे हम कहाँ पर लगाएं जिससे कि इसके ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इसे ऐसे जगह पर लगाएं जहाँ पर 6 से 7 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट आते हों, जिससे कि यह बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और इसमें नए नए जो हैं फूल आएंगे और नए नए कलियाँ आएंगे। तो अगर आपने जो है गेंदे के प्लांट को अपने टेरेस गार्डन या तो गार्डन में लगाया है तो आप ऐसे जगह का चुनाव करें जिसमें कि जो फुल सनलाइट जो है वो डायरेक्ट आते हो, जिससे कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा चले और ये हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहें। देखा आपने कितना आसान है गेंदे के फूल को केयर करना, तो आप भी ज़रूर ही केयर करें अपने गेंदे के प्लांट्स को, जिससे कि आप अधिक से अधिक जो है गेंदे के फूल को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो गार्डन है फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और हमेशा ही तरोताज़ा लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।